अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है एल करीमेन ई एल कास्तिगो। इसका मतलब जुर्म व सज़ा। एल करीमेन कहते हैं जुर्म को, ई का मतलब और, एल कास्तिगो का मतलब सज़ा। ठीक है, तो एल करीमेन जुर्म, एल कास्तिगो सज़ा। तो हमारे पास लफ्ज़ है एक एल हुएस। एल हुएस, एल हुएस का मतलब होता है जज यानी मुनसिफ यानी मुफ्ती। ठीक है, तो आगे एल खुड़ा दो, एल खुड़ा दो, एल खुड़ा दो कहते हैं ज्यूरी मतलब जमात मुनसिफीन यानी कि बहुत सारे जजों की जमात। ठीक है ना, एक से ज़्यादा जज जो फैसला करेंगे तो उन जजों की जमात को, उन जजों के मतलब एक से ज़्यादा ग्रुप को कहेंगे एल खुड़ा दो। आगे एल तेस्तीगो, एल तेस्तीगो इसका मतलब होता है गवाह। आगे एल आकुसादोर, एल आकुसादोर इसका मतलब होता है इल्ज़ाम लगाने वाला यानी मुकदमा चलाने वाला। ठीक है, जिसने मुकदमा दर्ज करवाया हो, ठीक है, उसको कहते हैं एल आकुसादोर। आगे एल अबोगादो, एल अबोगादो, एल अबोगादो कहते हैं वकील को। आगे एल आकुसादो, एल आकुसादो, एल आकुसादो कहते हैं मुलज़िम को जिसने जुर्म किया हो या जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया हो। आगे एल कारसेल, एल सॉरी ला कारसेल, ला कारसेल इसका मतलब होता है जेल। आगे ला सोस्पेचा, ला सोस्पेचा, ला सोस्पेचा कहते हैं शुभा को, शुभा यानी शक, शुभा। आगे लास एस्पोसास, लास एस्पोसास, लास एस्पोसास का मतलब हथकड़ियाँ, लास एस्पोसास हथकड़ियाँ, इसका मतलब बीवियाँ भी होता है लेकिन ये टॉपिक अलग है, तो इसका मतलब लास एस्पोसास मतलब हथकड़ियाँ। आगे एल पोलिसिया, एल पोलिसिया कहते हैं पुलिस वाले को, पुलिस वाला, और ला पोलिसिया कहते हैं पुलिस को, ला पोलिसिया मतलब पुलिस। आइए ला पिस्तोला, ला पिस्तोला मतलब पिस्तौल बंदूक। तो ये था आज का हमारा सबक जिसके अंदर आपने कुछ वोकैबलरी सीखी जुर्मों सज़ा के मुतालिक। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सबक आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो के अंदर, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।